उतार लिए हैं नोट भी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, अभी मैं अपने होम टाउन हिमाचल आ गया हूँ। तो ये है मेरी मदर, अभी ये आंगन को लीप रहे हैं। ये गाय और सारी गाय का ही गोबर है जिससे पूरा आंगन लीपेंगे। अभी ये आंगन हमारा इतना उधर से लेके इतना है, तो इतने से गोबर से अभी इस पूरे को लिपाया जाएगा और उसके बाद साफ़ सफाई करी जाएगी थोड़ी बहुत घर की, क्योंकि आज छोटी दिवाली है यहाँ हिमाचल में। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली मनाते हैं। तो अभी घर का एक बता देता हूँ आपको, बाहर बाहर का। यह है हमारा घर, ये ऊपर की मंजिल है, ये लैट्रिन बाथरूम है। इस ये जो रूम है इसमें हम धान वगैरह की गुड़ाई करते हैं। पहले अब तो बैल एक ही है, नहीं तो पहले दोनों बैलों से अंदर ही गुड़ाई करते थे। दोनों बैलों को ले जाकर अंदर ही उनको घुमाते थे और अंदर ही वो करते थे उनकी गुड़ाई। और ये नीचे की मंजिल है, अभी ये धान कटे हुए हैं जो इधर रखे हुए हैं, अभी इनकी गुड़ाई करी जाएगी एक दो दिन में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारा टेम्पल है बाबा बालकनाथ जी का। ये डोगी के लिए बनाया हुआ है, वो इस पे रहता है। यहाँ एक्चुअली डर रहता है तेंदुए का, तो इसलिए ये बनाना पड़ता है हमें डोगी के लिए। वो अभी लेटा हुआ है उधर जाके। ये क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। अब इसको घुमाने ले जाएंगे हम थोड़े देर बाद रोड की तरफ, तो फिर तब बताएंगे आपको थोड़ा सा ब्लॉग छोटा सा। अभी के लिए आंगन लीप रहे हैं, उसका नज़ारा लीजिए आप। और तब तक धूप भी अभी निकल चुकी है यहाँ पे सामने, और देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है यहाँ पे। दिल्ली की तरह नहीं है, पोल्यूशन है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखती है। यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये फूल वगैरह लगाए हुए हैं पपाया वगैरह के। और ये है धान कूटने की मशीन, क्योंकि अब हमारे पास बैल नहीं है, एक ही बैल है, तो हमने दो तीन लोग फैमिलियों ने ये मशीन खरीद ली है और इसमें ही इन धानों को गुड़ाई करते हैं हाथों से। तो वो भी आपको बताएंगे वीडियो में एक दो दिन में, अभी बनाएंगे जब। ये जो आपको ऊपर वाली पहाड़ी दिख रही है सबसे टॉप पे, इसी पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ जाती है जब ऊपर की पहाड़ियों में ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। तो ये हमारे घर से इतनी दूर है, ये होगा लगभग 5-7 किलोमीटर। तो वैसे तो हम पैदल यहीं से होके ऊपर चले जाते हैं कई बार, पर ये वहाँ से रास्ता भी है, रोड बना हुआ है ऊपर तक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी करते हैं थोड़ी देर बाद बात। देवू क्या कर रहे हो? ये भाई का छोटा लड़का है जो यहाँ पे खेल रहा है, वो बड़े वाला पता नहीं अभी कहाँ है। तो खाली बात की है।
ना आ रहे हैं मेरे लिए जान दे हां हैं हमने तो बहुत शौक है ना ठीक है चलो मर के देखो मुझे देखो मैं तुम्हें अच्छा ये सुमन चले थे इधर इधर बच्चा देखे घर वाले अब लगा मतलब खड़ी कर दिया ना मैं होते तो नहीं होंगे अरे उन्होंने आ रही है त्रप आ दिया त्रप है बोले गाब यो गीत भेजा दोगड़े अलग बंद कर देना दोगड़ी। सो हेलो गाइस, अभी हम अभी हिमाचल में दिवाली इस तरह मनाई जाती है। थोड़ी हमारा जो पहला दिया जलता है वो इसी आग से जलता है। यहाँ से हम एक थोड़ी सी आग ले जाते हैं जिससे पहला दिया जलाते हैं, फिर उसी से बाकी के सारे दिए जलाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आग जला दी है, घर से थोड़ी सी दूर है ये खेत में, यहाँ पे हल्की सी आग जला के और थोड़ा सा खेलते हैं बच्चे, छुपन छुपाई वगैरह और भी काफ़ी सारी खेलते हैं। तो अभी तो बच्चे हैं नहीं गाँव में। चल चलो उत्कर्ष, चलो बुझान दा मत, तू गाने में गा। कैसे गाते हैं? दियोए दियोए, आज भी दिवाली कल भी दिवाली, परसों जो एंकड़ो थाली। चलो जला इसको सही से, दे दे मेरे पास। सो अभी हम इसी ही जोत को ले जाएंगे घर पे और इसी से पहला दिया अपना जलाएंगे। तो ये हिमाचल में एक अलग ही वो है बाहर की उससे कि पहला दिया हम बाहर की जोत से जलाते हैं खेलते हुए। ये हमारा घर पास ही है तो हम यहीं जला रहे हैं। आज घूमना हम ऊपर बोन से तो हमारा पहला दिया जल रहा है अभी और इसको फिर मंदिर में रखा जाएगा, उसके बाद ही बाकी के सारे दिए जलाएंगे। चल उत्कर्ष अंदर रख दे, रख देगा आराम से रखना। जय कर ले, जय लक्ष्मी माता जी, सबको सुख शांति देना, हैप्पी दिवाली।
आ जाओ। तो अभी आज लाइटें हमने जलाई नहीं, क्योंकि आज छोटी दिवाली है, थोड़ा दिन में बिजी थे काम वगैरह में, इसलिए लाइटें जला नहीं पाए। तो अभी वो कल ही जलाएंगे बड़ी दिवाली पे। रंगोली वगैरह भाभी ने बना दी है, तो यहाँ पे ऐसी ही बनाई जाती है रंगोली। इसी टाइप में अभी आंगन भी कच्चा है, पक्का नहीं है, तो इसलिए ऐसी बनाई हुई है। वहाँ पे यहाँ से अंदर जा रहे हैं पाँव के निशान। जय माता दी। सो हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी दिवाली कैसी लगी, हिमाचल की दिवाली आपको कैसी लगी, यहाँ का फूड वगैरह कैसा लगा, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।